जय हिंद दोस्तों, आज संस्कृत का एक नया चैप्टर देखते हैं, सप्तमा पाटा नीति श्लोका। नीति श्लोका क्या होता है? नीति संबंधी अर्थात अच्छी बातें नीति श्लोक कहलाता है। इसके जो रचनाकार है साथियों, महात्मा विदुर जी है, और यह पाठ जो लिया गया है विदुर नीति ग्रंथ से लिया गया है। तो सबसे पहले साथियों, हम इसके जो पाठ परिचय है इसको हम ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं। अगर आप क्लास टेंथ का स्टूडेंट है तो सबसे पहले आप संस्कृत का बुक निकाल लें, उसके बाद हमारे साथ पढ़ने के लिए लग जाए। अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वण अंश विशेष अध्याया 30 से 40 रूपाया विदुर नीति संकलित। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष रूप के विदुर नीति से संकलित है। युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्र मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचितस्य शांति कश्चित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति। युद्ध को निकट आया जानकर धृतराष्ट्र अपने मंत्री विदुर जी से अपने मन की शांति के लिए कुछ प्रश्न नीति संबंधी प्रश्न पूछते हैं। तेषां समुचित उत्तरं विदुरो ददाति। उसके बाद समुचित उत्तर विदुर जी देते हैं। तदेव प्रश्नोत्तर रूपं ग्रंथरत्नं विदुर नीति इयम् अपि भागवत गीते महाभारतस्य अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। या भागवत गीता के महाभारत का भी स्वतंत्र ग्रंथ रूप है। यह जो दोस्तों विदुर नीति ग्रंथ है, भागवत गीता और महाभारत का स्वतंत्र रूप से ग्रंथ है। इसमें कुछ श्लोक दिए गए हैं, अर्थात श्लोक के माध्यम से धृतराष्ट्र अपने मन की शांति के लिए विदुर से प्रश्न पूछते हैं और विदुर जी उसका उत्तर देते हैं। प्रथम श्लोक है, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धिर्वा समृद्धिर्वा सवे पंडित उच्यते। इसमें विदुर जी पंडित के बारे में बताया है, पंडित की विशेषता के बारे में बताया है कि पंडित किसे कहा गया है, जिसके कार्यों में किसी प्रकार का बाधा ना हो, ठंडी गर्मी का भय ना हो और जो लाभ हानि की चिंता नहीं करते हो, उसे ही विदुर जी ने पंडित कहा है। एक बार फिर से, जिसके कार्यों में किसी प्रकार का बाधा ना हो, ठंडी गर्मी का भय ना हो और लाभ हानि की चिंता नहीं करता हो, उसे ही पंडित कहा गया है। दूसरा श्लोक देखते हैं साथियों, तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्मानां सर्वकर्मणां उपाग्यो मनुष्यानां नरः पंडित उच्यते। अर्थात इसमें कहा गया है कि जो सभी रहस्यों को, सभी प्राणियों के रहस्य को जानता हो और जो सभी कर्मों के अभ्यास को जानता हो और जो सभी मनुष्यों के उपायों को जानता हो, वही नर पंडित कहे जाते हैं। जो सभी प्राणियों के रहस्य को जानता हो, जो सभी कर्मों के अभ्यास का जंतु हो और
जो सभी मनुष्यों के उपायों को जानता हो वही नर पंडित कहे जाते हैं। तीसरा श्लोक है साथियों, अनाहूत प्रविष्टि ओ पृष्ठे बहुभाषते ओ विश्वसते ओ विश्वसिति मुड चेता नराधम। इसमें कहा गया है विदुर जी ने मूर्ख और नीच का परिभाषा दिया है, जो बिना बुलाए किसी सभा में प्रवेश करते हैं और बिना पूछे बहुत बोलता है और विश्वास नहीं करने वाली बातों पर भी विश्वास कर लेता है, उसे ही मूर्ख और नीच कहा गया है। एक बार और हो जाए, जो बिना बुलाए किसी सभा में प्रवेश करते हैं, बिना पूछे बहुत बोलते हैं और विश्वास नहीं करने वाली बातों पर भी विश्वास कर लेते हैं, उसे ही विदुर जी ने मूर्ख और नीच कहा है। अगला श्लोक, एको धर्म परम श्रेय क्षेमिका शांतिर उत्तमा विद्ये का परमातृप्ति व हिंसिका सुखावह। इसमें विदुर जी कहते हैं एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है, सबसे बड़ी शांति क्षमा है और विद्या से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है और सबसे बड़ा सुख अहिंसा है। एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है, शांति सबसे बड़ी क्षमा है और विद्या से परम तृप्ति होती है और सबसे बड़ा सुख अहिंसा है, अर्थात सभी प्रकार की सुख देने वाली अहिंसा ही है। नेक्स्ट श्लोक है, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशन आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तथा एतत् त्रयम् त्यजेत। नरक के तीन द्वार है, काम क्रोध और लोभ। नरक के तीन द्वार है साथियों, काम क्रोध और लोभ। इसलिए मनुष्यों को इन तीन नरकों को त्याग देना चाहिए, इससे आत्मा का नाश होता है। नरक के तीन द्वार है काम क्रोध और लोभ, इससे आत्मा का नष्ट होता है, इसीलिए इसे हमेशा के लिए त्याग देना है। षष्ठ दोषा पुरुषे न हातव्या भूमि इच्छिता निंद्रा तंद्रा भयम कोरद आलस्यम दृक् सुतरता। इसमें कहा गया है साथियों, मनुष्यों को उन्नति पाने के लिए, अपनी प्रगति पाने के लिए मुख्य छह दोषों को त्याग देना चाहिए। तो पहला दोष है साथियों निंद्रा, और दूसरा है तंद्रा, और तीसरा है भय, और चौथा है क्रोध, और पांचवा है आलस, और छठा है दीर्घ सुतरता। यह जो है मनुष्य को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा, इसीलिए मनुष्य को हमेशा इन छह दोषों से हटके रहना पड़ेगा, अर्थात इन छह दोषों को त्याग देना पड़ेगा, निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस और दीर्घ सुतरता। अगला श्लोक की ओर, सत्यन रक्षते धर्मो विद्या योगिन रक्षते विद्या रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। इसमें विदुर जी कहते हैं सत्य की रक्षा धर्म से होती है और
विद्या की रक्षा योग से होती है, अभ्यास से होती है, अध्ययन से होती है। मिर्जिया रक्षते रूपम, और रूप की रक्षा श्रृंगार से होती है, और कुलम वृत्तेन रक्षते, और कुल की रक्षा रोजगार से होती है। सत्य की रक्षा धर्म से होती है, विद्या की रक्षा योग से होती है, और रूप की रक्षा श्रृंगार से होती है, और कुल की रक्षा रोजगार से होती है। अगले श्लोक की ओर चलते हैं साथियों। सुलवा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन, और प्रियस्य तु पतस्य वक्ता श्रोता चो दुर्लभा। कहते हैं हे राजन, इस संसार में अस्पष्ट बोलने वाले और सुनने वालों की कमी है। निरंतर सत्य बोलने वाले पुरुष और प्रिय बोलने वाले सुलभ है। इसमें कहा गया है साथियों कि सत्य बोलने वाले पुरुष और प्रिय बोलने वाले सुलभ है, और इस संसार में इस अस्पष्ट बोलने वाले और सुनने वालों की भी कमी है। अगला श्लोक की ओर चलते हैं। पूजन्या महाभाग पुण्यस्य गृहदीप्त्या स्त्रिय श्रेयो गृहस्थ युक्ता अस्माद् रक्षया विशेषता। इसमें स्त्रियों की विशेषता बताया गया है कि हे राजन, वह स्त्री पूजनिया हो, भागशालिनी हो, घर की लक्ष्मी हो, कुल का नाम रोशन करे, ऐसी स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा गया है। इसलिए ऐसी स्त्रियों की विशेष रूप से रक्षा की जानी चाहिए। इसमें अर्थात स्त्रियों की विशेषता प्रकट किया गया है। स्त्रियों को घर की लक्ष्मी क्यों कहा गया है, इस श्लोक के माध्यम से बताया गया। अगला श्लोक है साथियों। ओ कीर्तम विनियो हन्ति हनर्त्य अनर्थम प्राक्रम, हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हन्यत लक्षणम। इसमें कहा गया है साथियों, कहते हैं हे राजन, अप्यस्य विनम्रता का नाश होता है, और अनर्थ पराक्रम का नाश करता है, और क्षमा क्रोध को मारता है, और आचरण से कुलक्षण का नाश होता है। एक बार फिर, हे राजन, अप्यस्य विनम्रता का नाश होता है, और अनर्थ पराक्रम का नाश करता है, क्षमा क्रोध को मारता है, और आचरण से कुलक्षण का नाश होता है। तो यह था साथियों अंतिम श्लोक, जो कि हमने पूर्ण विस्तृत रूप से बिल्कुल आसान भाषा में, कुछ अस्पष्ट भाषा में, जो कि समझ में आए वह हमने बताया। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।